अगस्त में मेष राशि का बदलेगा सब कुछ। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मेष राशि का अगस्त माह का मासिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। ग्रह गोचर के अनुसार यदि हम बात करें तो मेष राशि के कैरियर और व्यापार के संबंधों में जो है विशेष प्रगति के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। धन निवेश व विदेश संदर्भों में किस्मत साथ देने वाली है। यद्यपि इस माह आजीविका के संदर्भ में मिश्रित परिणाम प्राप्त होने के आसार रहेंगे। यदि छोटी छोटी परेशानियों और आवागमन के संदर्भ को छोड़ दें तो इस माह आपको कार्य व व्यापार के संबंधों में इच्छित परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही आपके कार्यक्षेत्र में बदलाव आपको देखने को मिलेगा और एक नई ऊंचाई आप देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जो पुराने समय से चली आ रही है वो व्यवस्थाओं में परिवर्तन आपको पूर्ण रूप से देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंधों के लिहाज से इस माह में प्रथम भाग से अनुकूल परिणाम प्राप्त होने के योग बनेंगे। प्रेम संबंधों के लिहाज से मधुरता देने वाला रहेगा, लेकिन इस माह कुछ चिंताएं हो सकती है। कटु शब्दों के प्रयोग से बचें और मध्यम माह में आपके लिए कुछ अति शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान पक्ष की कुशलता का समाचार आपको मिलने वाला है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों का आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। उच्च स्थिति आपके लिए बनने वाली है। वित्तीय स्थिति जो है अच्छी रहने वाली है और इस दौरान आपकी व्यय की अधिकता के कारण जो है थोड़ा सा आप परेशान भी हो सकते हैं। खान पान का स्तर उच्चता का संकेत देने वाला रहेगा और इस महीने जो है कई वांछित सफलताओं को आप प्राप्त करेंगे। आपका बौद्धिक स्तर उच्चता के संकेत देने वाला रहेगा, किंतु इसमें जो है छोटी छोटी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती है। वैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों को पूरा पूरा जो है लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। प्रयासों को पूरे आत्मविश्वास के साथ जारी रखें। जल्द ही आपके अनुकूल परिणाम प्राप्त होने के योग है। यद्यपि सेहत के मामले में हम यदि देखें तो सकारात्मक ऊर्जा के साथ ताकत का एहसास होगा। ग्रह गोचर आपको तंदुरुस्त रखेंगे। छोटी मोटी परेशानियां और रोग उत्पन्न हो सकते हैं। उचित खान पान और नियमित व्यायाम के क्रम को बनाए रखें और आपको जो है भगवान हनुमान जी की भक्ति इस माह करना चाहिए और हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर या वस्त्र का दान अनिवार्य रूप से करते रहना चाहिए। तो मित्रों, हमने आपको बताया कि मेष राशि के लिए जो है इस अगस्त माह में किस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।